हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आप लोगों की प्यार की वजह से और जो आप लोग सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, हम इस तरीके की क्रेटा जो है रेडी करते हैं आप लोगों के लिए, जो कि बेस वेरिएंट रहती है, कंपनी से आप लोगों को मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। आजकल तो पहले वाली वेटिंग वाला सिस्टम जो है कम होता जा रहा है, काफ़ी खुशी वाली बात है। और इस तरीके की गाड़ी लेने के बाद आप कराते हैं भाई मॉडिफिकेशन, वो भी आते हैं आप न्यू स्पेस रामा रोड कीर्ति नगर काम कराने के लिए, जहाँ पर आप लोगों का पूरा ए टू जेड काम होता है इस तरीके का मॉडिफिकेशन का। फ्रंट साइड में हम लोगों ने इसमें LEDs इंस्टॉल करी है। अगेन आप लोगों को बताना चाहूँगा, चीज़ वो इंस्टॉल करो जिसमें मज़ा आए आप लोगों को, लाइट हो ऐसी देखने जैसी। तो ये है इसका फुल बीम का थ्रो, लो बीम 240 वॉट, हाई बीम 240 वॉट, 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद ग्रिल के अंदर अगर आप लोग चाहें तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लास्ट वीडियो में दिखाया था टॉप वेरियंट का लगा के, उसकी लास्ट वीडियो में दिखाया था ग्लोसी लगा के, इसमें आप लोगों को दिखा रहा हूँ नॉर्मल ग्रिल इसमें लगी हुई है। 360 डिग्री कैमराज इंस्टॉल हो रखे हैं। गाड़ी हमारी स्पेशली आई है भाई, नंबर प्लेट देखें भाई, पहले ये देखें कहाँ से गाड़ी आई है भाई। ये आई है भाई हिमाचल से, धर्मशाला से। थोड़ा सा पहले साइड प्रोफाइल में हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल करा है पूरा का पूरा अलॉय व्हील, जो कि जेन्युइन रहने वाला है हमारा Hyundai का। इसमें स्टिकरिंग जो है आप लोगों को पूरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल 215/60R17 इंस्टॉल करा है, अपोलो का टायर इंस्टॉल करा है, JK अपोलो दोनों ही अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, और जेन्युइन अलॉय व्हील 17 इंचेस SX ऑप्शनल अवेलेबल है यहाँ पे डायमंड कट। उसके बाद आ जाते हैं OEM डिज़ाइन अपना, जो कि अपना आ जाएगा फुट रेस्ट। ये देख सकते हैं OEM डिज़ाइन है, पूरा कवर आएगा इसके अंदर। उसके बाद फ्रंट का मड गार्ड नहीं आएगा, मड फ्लैप नहीं आएगा फ्रंट का। क्रेटा की बैजिंग आ जाएगी, आप लोगों को क्वालिटी चेकआउट करा देता हूँ, एक नंबर रहने वाली है। अगेन यहाँ से भी पूरा मर्ज हो जाएगा ओरिजिनल डिज़ाइन। उसके बाद बैक साइड पे अपना मड फ्लैप आ जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद आप लोगों को इसकी वेट लोडिंग कैपेसिटी दिखाता हूँ। ये देखें भाई, यहाँ पे अच्छा खासा वेट लोड कर लिया है। ये हमने पेस्टिंग वाली रूफ रेल्स इंस्टॉल करी है, ये देख सकते हैं भाई, गाड़ी हिल जाएगी लेकिन रूफ रेल कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि क्वालिटी इस तरीके की इंस्टॉल कर दी है। उसके बाद अपना भाई डोर वाइजर्स इंस्टॉल कर दिए हैं, लोअर गार्निश, हैंडल क्रोम, डोर बिडिंग, तीनों ऑप्शंस रहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। काफ़ी जो ब्लैक कार लेने वाले ब्लैक लवर हैं वो कहते हैं कि भाई क्रोम थोड़ी सी ना डल करता है हमारी ब्लैक की लुक को, वो लोग नहीं लगाते। लेकिन आप लोगों ने डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखे हैं, उसके साथ क्रोम काफ़ी अच्छा मैच करता है, तो आप लोग लगा सकते हैं, वो सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता है। आगे चलते हैं, आगे की साइड एक शार्क फिन एंटीना ऐड ऑन हो सकता है। बैक साइड पर अगेन 360 डिग्री का कैमरा हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है। सो अंदर की साइड पे आ गए हैं, सबसे पहले सनग्लास होल्डर Hyundai Genuine जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। काफ़ी सॉफ्टली जो है ये ओपन होगा, वन टच के अंदर आप लोगों का ओरिजिनल सनग्लास होल्डर आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑटो फोल्डेबल मिरर विद वन टच, ये हमारा फोल्ड हो गया। एडजस्टिंग दिखाता हूँ आपको, फोर वेज की, राइट, लेफ्ट, डाउन एंड अप। तो फोर वे एडजस्टेबल मिरर आप लोगों को मिल जाएगा Hyundai Genuine विद इंडिकेटर फंक्शन रहने वाला ये भी, एंड इसके अंदर पडल लैंप भी मिलती है। जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो पडल लैंप ऑन हो गई है, आप देख सकते हैं, इसको बंद करेंगे पडल लैंप बंद हो गई है। वन टच अगेन मिरर आपके अनफोल्ड हो जाएंगे, लॉक अनलॉक पे वर्किंग रहेंगे। उसके बाद अपना आ जाता है ट्विटर सैश, जहाँ पे आप लोगों को पहले डोंगल मिला करता था, अब यहाँ पे आप लोगों को ट्विटर सैश मिल जाएगा हमारे पास। लगाने के लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, सॉफ्ट टच हो जाता है, पैनल ग्लॉसी हो जाता है, फिलहाल इसमें पैनल कटिंग हुई है, पैनल चेंज हो जाता है, इनर हैंडल लग जाते हैं। स्टेयरिंग की बात करते हैं, क्रूज कंट्रोल वर्किंग इंस्टॉल हो गया है, स्टेयरिंग कंट्रोल वर्किंग अपना इंस्टॉल हो गया है, और अपना जो हमने रैपिंग कंप्लीट करी है उसकी क्वालिटी एंड फील चेकआउट कर सकते हैं। इनको सिंगल टोन के अंदर ही चाहिए था, सिंगल टोन रेडी करके दिया है, क्योंकि सीट कवर्स इसमें नहीं लगे हैं, अभी फैब्रिक है, सीट कवर इनको थोड़ा टाइम बाद लगाने हैं, अभी गाड़ी 480 किलोमीटर चली हुई है। उसके बाद आ जाते हैं मेन अपनी डिस्प्ले पे, हेड यूनिट पे 00 स्नक फिट फिटमेंट है, ये हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करा है। 464 ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला विथ 360 सपोर्ट इसमें आप लोगों को रहने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को सराउंडिंग का पूरा जो है आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके का डिज़ाइन रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा का पूरा मिल जाएगा। कार का जो डिज़ाइन है चेंज कर देते हैं, ब्लैक कार है, SUV रहने वाली हमारी हो गई है। उसके बाद आप देखें भाई, ये पूरी कैलिब्रेशन हम लोगों ने इसकी कर रखी है, A1 कैलिब्रेशन है, A1 लुकिंग के अंदर आ जाती है। और फ्रंट की लाइट का थ्रो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी नॉर्मल रोड की सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। ये है इसका अपना जो है पूरा का पूरा लाइट का थ्रो आएगा, ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम रहने वाली है। तो लाइट का थ्रो काफ़ी औसम रहने वाला है, 2 ईयर्स वारंटी भी आप लोगों को मिल जाती है। सिस्टम पे गेन चलते हैं, इसमें स्पीड बता देगा, यहाँ पे आप लोगों को वीडियो फाइल एंड क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। सो आई गेस क्वालिटी का साउंड का आइडिया आप लोगों को लग गया होगा, कोई एम्पलीफायर नहीं है, प्लग एंड प्ले ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साउंड जो है हम लोगों ने इसमें हर्ट्स का कंपोनेंट के साथ इंस्टॉल करा है। बेसिक सेटअप रहने वाला है, फैमिली कार के तौर पे यूज़ करनी है। ग्लॉसी के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर ये वाला पार्ट ग्लॉसी अगर आप कराना चाहें 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अपना डोर के 5, 6 तो ये सारे पार्ट आप लोग ग्लॉसी करा सकते हैं, ग्रिल ग्लॉसी करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें डैम्पिंग इंस्टॉल करी है ताकि इसका जो थर्ड है थोड़ा सा अच्छा हो जाए।
और फील वाइज जो है गाड़ी हैवी लगे, जैसे डोर अब हैवी हो चुका है, स्पीकर में जो बेस और थंप आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, सिस्टम भी, स्पीकर की बात कर रहा हूँ तो सिस्टम भी DSP सपोर्ट है, इसके अंदर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम सेट कर सकते हैं, क्वालिटी सेट कर सकते हैं, सब कुछ सेट कर सकते हैं, इसके अंदर जैसा साउंड आप बनाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक मॉडिफिकेशन है क्रेटा के ऊपर, हर तरीके का काम आप करा सकते हैं, आपका बजट 50,000 है, 1 लाख है, 1,50,000 है, 2 लाख है, 3 लाख है, आपको ऑनलाइन कन्वर्जन करनी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप एक दिन पहले कॉल करें या सेम डे कॉल करें आप आ सकते हैं। ऑनलाइन कन्वर्जन के लिए आप बेशक बुकिंग करा के हैं, क्योंकि जो 2-2.5 लाख 3 लाख के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम लगता है उसके अंदर, लेकिन अगेन सारी चीज़ें जेन्युइन इंस्टॉल होती है। लास्ट में एक फ्लोरिंग इसके अंदर रह गई थी बतानी, और अपना GFX का मैट है। तो ये है पूरी ओवरऑल लुकिंग, आप लोगों को कैसी लगी ये वाली गाड़ी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वाली वीडियो में, इस गाड़ी का बजट 1 लाख से ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील और ये म्यूजिक सिस्टम ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्टॉल हुआ है, बाकी जेन्युइन आइटम्स जितने होते हैं ऑटो फोल्डिंग ये वो क्रूज स्टीयरिंग सनग्लास होल्डर ये सारी चीज़ें भी इंस्टॉल हुई है, DRL भी इंस्टॉल होनी है इसके अंदर, पार्सल ट्रे और सीट कवर ये 3 काम रह गए हैं, वो भी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके साथ शुरू करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, होपफुली वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम।